किम करते हुए विमुड़, वर्ड बहुत भारी है पर अगर आसान भाषा में अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं तो वो होगा कंफ्यूजन, टू डू या नॉट टू डू की सिचुएशन, जब आप डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं ये चीज करूं या ये चीज करूं। यही सेम कंफ्यूजन आता है जब हम बात करते हैं फोटोग्राफी में जेपीजी फॉर्मेट में शूट करने के लिए या फिर रॉ फॉर्मेट में शूट करने के लिए, दोनों अलग अलग डिजिटल फॉर्मेट्स हैं डीएसएलआर के लिए, पर काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, काफी ज्यादा लोग रॉ फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि स्पेस ज्यादा लेता है, काफी लोग जेपीजी फॉर्मेट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है ये सिंपल सा फॉर्मेट है कुछ नहीं करना होगा। मैं ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं अखिल ऑलमोस्ट सोशल से और आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको रॉ फॉर्मेट या फिर जेपीजी फॉर्मेट, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मेट को यूज करना चाहिए, कौन सी सिचुएशंस में कौन सी चीज ज्यादा बेटर होगी, और मैं आपको बेनिफिट्स भी बताने वाला हूं रॉ फॉर्मेट यूज करने के लिए। तो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उसके पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं वापस से अपनी पुरानी वाली चीज के ऊपर वापस से आता हूं। हम इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक। जी हाँ, अगर 500 लाइक आते हैं तो मैं आपको प्रैक्टिकली इन चीजों के बारे में बताने वाला हूं एक वीडियो के अंदर। तो अगर आप मुझे 500 लाइक इस वीडियो पे करके अगर आप मुझे गर्वान्वित कर सकें तो बहुत ही अच्छी चीज होगी। मुझे पता है मैं थोड़े भारी भारी हिंदी के वर्ड छोड़ रहा हूं, मैंने सोचा क्यों ना अब हिंदी करनी है तो यार अच्छे से हिंदी करते हैं, पर ठीक है। एनीवेज, तो बात करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर कि आप जेपीजी फॉर्मेट या फिर रॉ फॉर्मेट वो आप कैसे यूज करें। उसके पहले कि हम इन चीजों के बारे में बातें करें, मैं आपको बता दूं कि जेपीजी फॉर्मेट और जेपीजी फॉर्मेट सिमिलर है, और रॉ फॉर्मेट अगर हम बात करें निकॉन के लिए वो यूजली होता है .nef फॉर्मेट में, जहां पे जेपीजी का जो एक्सटेंशन होता है वो .jpg या .jpeg। वहीं पे अगर आप कैनन की बात करें तो रॉ उसमें जो काउंट होता है वो होता है CR2.CR2। जी हाँ, और अगर मैं आपको ये चीजें बताऊं कि ये दोनों चीजें होती क्या है, तो दोस्तों ये है डिजिटल फॉर्मेट। तो जब भी आप किसी इमेज को लेते हैं तो इमेज जिस फॉर्मेट में ली जाती है उस डिजिटल फॉर्मेट को बोला जाता है, या तो जेपीजी या फिर रॉ। अब ये अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। अब पहले मैं आपको ये बता दूं कि रॉ फाइल होती क्या है। रॉ फाइल दोस्तों एक अनकंप्रेस्ड इमेज फाइल होती है, जो भी आपके कैमरे का सेंसर जो चीज कैप्चर करता है वो उसी चीज को उसी सारी डिटेल के द्वारा उसी चीज में कैप्चर करता है, उस चीज को बोला जाता है एक रॉ फाइल। अब यहाँ पे ये चीज कंप्रेस नहीं होती है, सारी चीजें इसके अंदर होती है, अगर आप बाद में चाहें तो आप इनको चेंजेस कर सकते हैं, तो ये चीज काफी इजी कर देती है एक रॉ फाइल को। वहीं हम बात करें जेपीजी फॉर्मेट की, तो जेपीजी फॉर्मेट क्या होता है, आपका जब भी कैमरा का सेंसर एक फोटो लेता है वो यूजुअली रॉ फाइल को ही लेता है। अब अगर आप जेपेग फॉर्मेट अगर आपने चूज करा हुआ अपने कैमरा में, तो जब भी वो कैमरा एक रॉ फाइल लेगा, रॉ फाइल को इमीडिएटली कंप्रेस करेगा अपने अंदर ही। जी हाँ, ये कैमरा की मेमोरी करती है, जो भी करती है इमीडिएटली अंदर प्रोसेसिंग होगा और वो आपको फाइनली देगा जेपेग फॉर्मेट। अब इन दोनों में एक और डिफरेंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब भी जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट होता है वो यूजुअली 8-bit फोटोग्राफ होता है। मैं आपको उसका मतलब समझाऊंगा। और रॉ फाइल जब भी कैप्चर होती है आपके कैमरा में यूजुअली 12-bit या फिर 14-bit की फाइल होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी कैमरा एक फोटो लेता है तो 12-bit या 14-bit का फोटो ही लेता है, डेटा कैप्चर करता है, उसके बाद में प्रोसेस करता है अगर आपने जेपीजी फाइल की डिमांड करी है कैमरा से। तो अब जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नजर आ रहा है, एक 8-bit में जो टोन्स होती हैं पर चैनल वो होती है 2 की पावर 8, जो कि होगा 256। वैसे ही 12-bit और 14-bit में होती है 4096 और 16384। अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे पॉसिबल टोन्स पर पिक्सल भी नजर आ रही है। अब दोस्तों क्योंकि मुझे आपको ये चीज आसान भाषा में बतानी है, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जब भी 8-bit का फोटो होता है उसमें आपके पास में 256 पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं अलग अलग टोन्स को चेंज करने के लिए। इसका मतलब जो आप नंबर ऑफ चेंजेस कर सकते हैं वो होते हैं 256। अगर आप इससे ज्यादा आपको चेंजेस करते हैं तो आपके फोटो की क्वालिटी खराब हो जाती है। यही 12-bit और 14-bit में जो आपको नजर आ रहा है वहां क्लियरली है कि आपके पास में ये जो चेंजेस के ऑप्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो यही मैं आपको जो चीज बोल रहा था कि रॉ फॉर्मेट में आपके पास में जो फ्रीडम होती है बाकी चीजों को चेंज करने के लिए लेटर ऑन, वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये दोस्तों नॉर्मल सी चीज थी जो मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे बताना चाहता था रॉ और जेपेग में डिफरेंसेस पर। अब हम बात करते हैं कि रॉ फाइल को यूज करने के बेनिफिट्स या फिर छोटे मोटे डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो मैं अब आपको वो सभी चीजें बताने वाला हूं जो आपको जानना जरूरी है अगर आप रॉ फाइल में शूट करने का प्लान करते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। दोस्तों रॉ फाइल जो होती है वो नॉन डिस्ट्रक्टिव फाइल होती है।
अब इसका मतलब क्या हुआ वो भी मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने कैमरा से फोटो ली है, अब आपके पास में एक और ऑप्शन भी होता है अपने कैमरा में, उसके पहले कि मैं आगे की बात करूं कि आप या तो चाहें तो आप रॉ फाइल चूज कर सकते हैं अपने फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, टिफ टीआईएफएफ फाइल यूज कर सकते हैं जो कि रीडेबल होती है, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। और एक और ऑप्शन होता है दोस्तों कि आप रॉ और जेपेग दोनों का मिक्सचर, जी हाँ, यूजुअली वो रॉ प्लस जेपीईजी ये इस फॉर्मेट में आता है, तो वो आपको एक रॉ फाइल और एक जेपेग फाइल दोनों आपको सेव करके देता है, स्पेस ज्यादा जा सकता है, पर अगर आप चाहें तो आप ये दोनों चीजें कर सकते हैं। बात करते हैं रॉ फाइल के नॉन डिस्ट्रक्टिव होने की, तो अगर मान लीजिए आपने एक ही फोटो को जेपीजी और रॉ फाइल दोनों में कैप्चर किया है, अब यूजुअली क्या होता है जब भी आप फोटो को एडिट करते हैं या कुछ करते हैं फोटोशॉप में, तो आप अपने मेमोरी कार्ड को इंसर्ट करते हैं अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, उसके बाद में आप फोटो में जाते हैं फोल्डर में, फोल्डर में जाने के बाद में आप उस फोटो को ड्रैग करते हैं फोटोशॉप में, आप पूरे चेंजेस करते हैं, कई बार गलती से कंट्रोल एस प्रेस हो जाता है और आप उस फोटो को बंद कर देते हैं। इसका मतलब जो आपको चेंजेस करने थे वो आपने किए, उसके बाद में फोटो को बंद कर दिया, अब जो चेंज आपने किए वो उसके ऊपर सेव हो गया। अब यहां क्या हुआ, आपकी जो फाइल थी आपका जो जेपीजी फॉर्मेट का फोटो था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, जो आपने किया उसके ऊपर वो वही रहने वाला है, ओरिजिनल आपको नहीं मिलने वाला है किसी भी तरीके से। यही अगर हम बात करें रॉ फाइल की, रॉ फाइल में जब भी आप चेंजेस करते हैं पहली चीज ये कि आपके पास में एक एक्स्ट्रा विंडो होता है जहां पे आप काफी ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, वो चेंजेस जब भी आप करते हैं उसके बाद में फोटो को ओपन करते हैं तो यूजुअली जब भी आप उसी फोल्डर में जाके देखेंगे आपके पास में एक एक्स्ट्रा फाइल नजर आती है जो कि होती है .xmp। अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप उस चीज को सेव करने की भी कोशिश करेंगे फोटो को, तो वो सेव एज होता है, वो सेव नहीं होता है, सेव एज होता है। इसका मतलब जो आपकी ओरिजिनल कॉपी थी उसके ऊपर आप कोई भी चेंजेस ओवरलैप नहीं कर सकते, आपको नया एक पर्टिकुलर फोटो ही सेव करना होगा, जो आपके रॉ फाइल को नॉन डिस्ट्रक्टिव कर देता है किसी भी तरीके से, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओरिजिनल रॉ फाइल एक ओरिजिनल रॉ फाइल ही रहती है, आप उसको कुछ भी ट्वीक करके चेंजेस कर सकते हैं और अलग से फाइल सेव कर सकते हैं, पर रॉ फाइल कभी डिस्ट्रक्ट नहीं होती है। दोस्तों नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो थोड़ा सा स्लाइटली डिसएडवांटेज है, वो ये है कि रॉ फाइल का जो यूजुअली साइज होता है वो जेपीईजी फॉर्मेट के 2 या 6 टाइम्स ज्यादा होता है। अगर आपका जेपीजी अगर एक फोटो आता है वो 10 एमबी का आता है, तो वहीं आपका रॉ फाइल लगभग 25 एमबी से लेकर 60 एमबी तक हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कुछ हाई मेगापिक्सल वाले कैमरा, जैसे कि मैं अपने पर्टिकुलर कैमरा की बात करूं जिससे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं जो कि है निकॉन का D800, ये है 24.3 मेगापिक्सल का कैमरा, इसका जो एक रॉ फाइल होता है, रॉ फोटो होता है, वो 70 एमबी से कभी कभी 100 एमबी के ऊपर भी निकल जाता है एक फोटो। अब अगर आप यहीं पे बात करें तो काफी ज्यादा स्पेस हो सकता है जो मेमोरी कार्ड में खा जाता है, क्योंकि मेरा 32 जीबी का कार्ड में मैं लगभग 300-350 फोटो खींच सकता हूं। वहीं अगर आप जेपीजी की बात करें तो वहां पे आप 1500-2000 फोटोज इजीली खींच सकते हैं, तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसके बेनिफिट्स हैं वो इस चीज को डेफिनेटली ओवरकम कर देते हैं, जिसके बारे में हम और बात करने वाले हैं आगे। तो सर नंबर 3 पॉइंट की बात करो तो वो अनदर डिसएडवांटेज हो सकता है कि जब भी आप रॉ फोटो को खींचते हैं तो आपके कैमरा की प्रोसेसिंग इन कंपैरिजन टू जेपीजी थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ऑब्वियस है इतनी हैवी फाइल अगर प्रोसेस होगी तो कैमरा को कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा लगने हैं, पर वो चीज इतनी कंसिडरेबल नहीं होती है। अगर आपको बहुत जल्दी क्विक क्विक फोटो खींचने होते हैं कहीं पे तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा ट्रबल हो सकती है, पर अगर आप थोड़ा सा सेकंड बीच में दे सकते तो मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम की बात नहीं होती है। क्योंकि अगर मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देना चाहूं, मैंने रॉ फाइल्स बहुत ही ज्यादा वेडिंग्स में शूट की, 200 के ऊपर वेडिंग्स मैंने शूट की है रॉ फाइल को ही यूज करके, मुझे आज तक कभी भी प्रोसेस की प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि वेडिंग्स में काफी मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको इमीडिएटली 1 या 2 सेकंड के बाद में दोबारा कैप्चर करना होता है, वो चीज मेरे को कभी ट्रबल नहीं हुई, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल चीज कंसिडरेबल इतनी नहीं है कि इतना टाइम लगे कि आपको ट्रबल होने लगे। दोस्तों नंबर 4 पॉइंट की बात करें तो वो ये होगा कि रॉ फाइल को आप जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर रिवर्स पॉसिबल नहीं है, जेपीजी फॉर्मेट को आप रॉ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें ऐसी होती है कि आप रॉ फाइल किसी दोस्त के साथ में शेयर करना चाहे तो आप नहीं कर सकते, तो अभी भी रेडी जेपीईजी फॉर्मेट में उसको सेव करके कन्वर्ट करके आप उसे शेयर कर सकते हैं इजीली, तो मेरे हिसाब से वो चीज इतनी ट्रबलसम नहीं होती है। नंबर 5 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि रॉ फाइल आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी देता है फोटोज में। यहाँ पे आपको कुछ फोटोज नजर आ रहे हैं जिसमें आपको क्लियरली नजर आएगा कि एक रॉ फाइल में लिए गए फोटो में और जेपीजी फॉर्मेट में लिए गए फोटो में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा विजिबल होते हैं, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली रॉ फाइल में ही फोटो लेने चाहिए। नंबर 6 पॉइंट की बात करें तो वो ये होगा कि रॉ फाइल लेवल ऑफ ब्राइटनेस को ज्यादा अच्छे से कैप्चर करते हैं जेपीजी फॉर्मेट के कंपैरिजन में।
अब लेवल ऑफ ब्राइटनेस क्या है, जैसा कि मैंने आपको 8 बिट में जो आपके नंबर ऑफ टोन्स है वो मैंने आपको बताया था कि 8 बिट में आपके पास में 256 पॉसिबल टोन्स होते हैं चैनल टोन्स। उसी के बाद में अगर आप बात करें आपके 12 बिट के फोटो में जो आप रॉ फॉर्मेट में लेते हैं वो होगा 4096, और ऐसे ही अगर आप 14 बिट की बात करें वो होगा 16384 लेवल्स। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सारे लेवल्स हैं ये आपको एक्सपोजर, ब्लैक्स, फिल लाइट, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ऐसी बहुत ज्यादा चीजें होती है जो आप डेफिनेटली ध्यान में रख सकते हैं और चेंजेस ला सकते हैं एक रॉ फाइल में, जो आपके फोटो को बाद में एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा बना देता है। नंबर 7 पॉइंट की बात करें तो वो ये होगा कि रॉ फाइल आपको वाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या मैनेज करने के लिए बहुत ही इजी कर देता है बाद में प्रोसेसिंग के टाइम पे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, वाइट बैलेंस हो सकता है आप में से काफी लोगों को नहीं पता है, तो जैसा आपको यहाँ पे फोटो दिख रहा है ये एक फोटो है जो नॉर्मल लाइट में लिया गया, वाइट बैलेंस को कंट्रोल नहीं किया गया, पर एडिट करने के बाद में व्हाइट बैलेंस को कंट्रोल करने के बाद में ये फोटो ऐसा दिखता है। तो अब ये आप व्हाइट बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है व्हाइट बैलेंस हर एक फोटो में, तो आपको डेफिनेटली अच्छा खासा कंट्रोल दे रहा है एडिटिंग के टाइम पे, प्रोसेसिंग के टाइम पे। जब आप रॉ फाइल को एडिट करते हैं तो आप व्हाइट बैलेंस को इजिली वहां पे मेंटेन कर सकते हैं, अपने जो आपका एंड रिजल्ट, आपको जो डिजायर्ड था आउटकम, आप उसी के हिसाब से इस चीजों को फाइनल आउटकम पा सकते हैं। तो सर नंबर 8 पॉइंट की बात करूं, थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है, अगेन रॉ फाइल को प्रोसेस करना ही पड़ता है नो मैटर व्हाट। आप डेफिनेटली रॉ फाइल को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, आपको या तो उसको कन्वर्ट करना होगा या एडिट करना होगा, सेव करना होगा, फिर करना होगा। अब अगर आप एक रॉ फाइल को अपने फोन में डायरेक्टली यूज करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे, काफी ज्यादा फोन है जो उसको रीड भी नहीं कर पाते, पर एट द सेम टाइम काफी ज्यादा एप्लीकेशन ऐसे भी हैं मोबाइल फोन्स में जो रॉ फाइल को रीड करते हैं। आप अपने मोबाइल फोन को यूज करके कैमरा में लिए गए रॉ फोटो को एडिट कर सकते हैं, तो ये अच्छा खासा ऑप्शन है। और साथ ही में काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो आपको मोबाइल फोन में भी रॉ फोटो लेने का ऑप्शन देते हैं, तो वो काफी अच्छी चीज है। अगर आपको वो ऑप्शन होता है तो आप डेफिनेटली रॉ फाइल लेके एक बार प्रैक्टिस करना ना भूलें। तो सर नंबर 9 पॉइंट है जो थोड़ी सी चिंता की बात यह है कि वो ये है कि रॉ फाइल एक प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है आपके कैमरा मॉडल का, उन्होंने ये चीज को आउट नहीं किया है कि आप रॉ फाइल को जो डेटा है उसको आप कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। अब डेफिनेटली आज अगर आप चाहें तो काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर, जैसे कि आप फोटोशॉप की बात करें, लाइटरूम की बात करें, अब इन सभी सॉफ्टवेयर को यूज करके आप डेफिनेटली उस चीज को प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें आज से 5 साल 10 साल या 20 साल बाद में, तो हो सकता है कि अगर आपका जो कैमरा का मॉडल है या फिर अगर आपकी जो ब्रांड है, अगर उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट या प्रॉपर सपोर्ट नहीं होगा उतने साल बाद में भी, तो हो सकता है कि आज के जो रॉ फॉर्मेट के जो फोटो हैं वो आप तब उन सॉफ्टवेयर को यूज करके आप उन चीज को यूज भी ना कर पाए। तो छोटा सा डिसएडवांटेज हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की, जैसे कि आप बात करें लाइका जो कंपनी है जो कैमरा बनाती है, उन्होंने ऑलरेडी DNG फॉर्मेट में रॉ फाइल्स को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जब भी आप रॉ फाइल लेते हैं लाइका कैमरास में तो वो DNG फाइल में सेव होता है, ना कि .NEF या CR2 जो निकॉन और कैनन में होता है। तो वहीं मैं सोचता हूं कि स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, आगे आने वाले मे बी से 2 या 3 साल में डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पर अगर आप इस चीज को प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें तो आप 2 डेटाबेसेस रख सकते हैं, आप अपने या तो रॉ फाइल को अलग से रखिए किसी हार्ड ड्राइव में, और JPEG फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप उनको अलग से रख सकते हैं किसी दूसरे छोटे हार्ड ड्राइव में जो कि स्पेस बहुत कम लेने वाला है। तो सर नंबर 10 पॉइंट जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि रॉ फाइल को यूज करके आप अपने लेंस के जो इम्परफेक्शन है उनको दूर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब भी आप फोटो लेते हैं तो कॉर्नर में थोड़े डिस्टॉर्शन होते हैं, थोड़ी बहुत चीजें होती है जो एंडी बेंडी टेढ़ी होती है, आप उस चीज को अगर रॉ फाइल में लेते हैं तो आप डेफिनेटली लेंस करेक्शन करके इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं ये 10 पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चीज को जानने के लिए कि रॉ फाइल आपके लिए क्या क्या कर सकता है। अगर आप जब तक इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपको इस चीज के जो फायदे हैं वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। मैं पिछले 4 साल से सिर्फ और सिर्फ रॉ फॉर्मेट में ही फोटोज खींचता हूं, सिर्फ एक केस जिसमें मैं JPG फॉर्मेट में कैप्चर करता हूं फोटो, वो सिर्फ वही केस होता है जहां पर मुझे बहुत ही ज्यादा फोटोज लेने होते हैं, या फिर मेरे पास में मेमोरी कार्ड नहीं है, या फिर मेरे पास में स्पेस बहुत कम है। तो यही वो केसेस है जब आप JPG फॉर्मेट में ले सकते हैं, पर इनके अलावा अगर आपके पास में मेमोरी कार्ड सफिशिएंट है, स्पेस सफिशिएंट है, तो मेरे हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ रॉ फाइल ही लेना चाहिए।
तो आप एक बार ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपने अगर आज तक रॉ फाइल में कैप्चर किया है या नहीं किया है तो आपने क्या डिफरेंसेस देखे हैं रॉ फाइल या जेपीजी फॉर्मेट में। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको जो हमारा जो आज का एपिसोड है शूट विद अखिल का वो काफी हेल्पफुल लगेगा। मैं आगे आने वाले एपिसोड में आपको इसी तरीके से अमेजिंग कंटेंट देता रहूंगा। आप इस वीडियो को 500 लाइक का टारगेट हिट रीच कराने के लिए प्लीज हेल्प करना ना भूले। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और चौथी इंपॉर्टेंट चीज वो है सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो यार बेल आइकन पर हिट करके जाना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।